और एक बार फिर इस ऑनलाइन क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, विगत तीन क्लास में हम लोग पर्यटन के ऐतिहासिक अनुप्रयोग, हिस्टोरिकल एप्लीकेशन ऑफ टूरिज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान की बात कर रहे हैं, और यह प्रश्न पत्र एमए फाइनल हिस्ट्री का जो सेवेंथ पेपर है उसमें कंपलसरी अनिवार्य पेपर है। किसी भी ग्रुप को आपने लिया हो, ये प्रश्न पत्र आपको देना ही होता है। और इस प्रश्न पत्र में जो आज का हमने टॉपिक लिया है, हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट और भविष्य की संभावनाएं, ये पांचवी इकाई में टॉपिक है। साथ साथ ये बता दूं कि जो हमारे पूर्व छात्र और शोधार्थी जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जानकारी कि हाड़ौती क्षेत्र में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पर्यटन स्थलों से संबंधित, तो ऐसे में सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी इस विषय की महत्ता स्थापित है पहले से ही। साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि लोअर टू अपर मैं बहुत कमजोर विद्यार्थियों के साथ पहले रहता हूँ। मैंने आपकी पासबुक को कई कई बार देखा हुआ है, वर्षों से विद्यार्थी पासबुक के सहारे रहते हैं। बहुत स्पष्ट कर दूं, एमए फाइनल का जो भी विद्यार्थी अभी जुड़ा है वो ये अच्छी तरह समझ ले कि जो आज मैं टॉपिक ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये पासबुक में नहीं है, आदर्श पासबुक में भी नहीं है और संजीव पासबुक में भी नहीं है। पासबुक में बहुत सा मैटर जो आपके सिलेबस में नहीं है वो दिया गया है। जो पर्यटन स्थल दिए गए हैं दक्षिण भारत के या कि उत्तर प्रदेश के, वे आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। हमने पहले ही कहा, राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको पर्यटन के ऐतिहासिक अनुप्रयोगों को पढ़ना है और समझना है। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र जो है पर्यटन के ऐतिहासिक अनुप्रयोग, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, विषय की महत्ता स्थापित करते हुए। और आज के व्याख्यान का सार संक्षेप पहले बता दूं, जो उसकी रूपरेखा है वो बता दूं, जो शोधार्थी जुड़े हैं वो उसमें मैं देख पा रहा हूँ, हेमलता मैडम जुड़ चुकी हैं, तो ये और इसी तरीके से संभवतः प्रीति शर्मा मैडम भी जुड़ चुकी हैं। तो इन दोनों शोधार्थियों को ये संकेत तौर पर समझना चाहिए कि इनका, जैसे उदाहरण के तौर पर हेमलता मैडम का विषय शिक्षा को लेकर के है, तो आपको पता है कि कोटा में शैक्षिक नगरी के रूप में, कोचिंग के रूप में प्रसिद्ध है, और इनके विषय में इससे बहुत सी संभावनाएं, यानी जो शैक्षिक पर्यटन के रूप में जब आप अपने विषय का प्रतिपादन कर रहे हों और कम से कम सब भूल जाएं, तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को अवश्य याद रखें कि शोध सार जब हम बताते हैं आखिरी में, उस शोध सार में ये जरूर बताने का प्रयास करें कि ये जो कोटा की नगरी है ये शैक्षिक पर्यटन के रूप में भी अपनी महत्ता स्थापित कर चुकी है। जो पेरेंट्स आते हैं वो न सिर्फ कोटा में, बल्कि कोटा की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनसे अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, बल्कि वो जो आसपास के पर्यटन स्थल हैं वो भी देखने जाते हैं। तो किस तरह से कोचिंग जो संस्थान है वो न सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि वो हाड़ौती के पर्यटन को भी प्रोन्नत कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये दूसरी बात, जो पर्यटन पर काम कर रहे हैं उनको अपने शोध सार में हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट एक स्थापित व्यवस्था है पर्यटन की, और जो भारत में पर्यटन की जो एक मुख्य एजेंसी है आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, वो जिस तरह से विकास करती है, उसी की अनुसांगिक राज्य स्तर की जो एजेंसी है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन आरटीडीसी। तो कई बार एमए में जो एक नंबर का प्रश्न आता है उनमें पूछते हैं आरटीडीसी का पूरा नाम बताओ या आईटीडीसी का पूरा नाम बताओ, तो ये जो आरटीडीसी ने डेवलपमेंट किया है
ये राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान में पर्यटन का विकास हो सके, तो उन्होंने एक व्यवस्था दी कि पूरे राजस्थान के पर्यटन को टूरिस्ट सर्किट यानी पर्यटन परिधियों में बांट दिया है, और पर्यटन परिधियों में बांट करके उसमें च्वाइस दी है पर्यटक के लिए कि भाई वो पैकेज सिस्टम जो टूर पैकेज का भी एक आपके यहाँ पहले कोर्स में था, संभवतः अभी भी है कि भाई टूरिस्ट पैकेज क्या है। तो उस पैकेज सिस्टम में हमें ये समझना होता है कि भाई टूरिस्ट जैसे उन्होंने पैकेज बना रखा है, आप कई बार विज्ञापन में देखते होंगे अमुक होटल में दो दिन का जो स्टे है वो इतने रुपए का है, तो उन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है। उस पैकेज में विभिन्न राजस्थान में 10 से 12 के बीच टूरिस्ट सर्किट बनाए हुए हैं, जिनके जिनमें हम विशेष तौर से हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट की बात करें, हमें स्क्रीन पर प्रीति शर्मा मैम दिख रही हैं। तो नमस्कार, जैन पर्यटन की जब बात हो तो उसमें हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट, ये आज का लेक्चर विशेष तौर से दो शोधार्थी जो जुड़े हैं, यदि बिंदु भी जुड़ गई तो उनका भी पर्यटन पर विषय है, नागौर का पर्यटन है, तो वो एक एंगल परख सकती है कि विवेचना या व्याख्या का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, विवेचना का जो एक ढंग है और विवेचना का जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए, उसमें हमें टूरिस्ट सर्किट को जोड़ना चाहिए जरूर। और बहुत सारा मैटर है, जितने ये दो तीन क्लास हुए इनमें हम अपने विषय में अगर तलाश करें तो निश्चय ही जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है, जो लोक नृत्य संगीत इनको कोई सिखाने वाला तो होगा, कैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है, जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है उसमें इस तरह इस व्यवस्था को हम कैसे शामिल करें। आपका जो शोध का कौशल है, रिसर्च स्किल है, वो इसी बात में दिखाई पड़ती है, जब परीक्षक देखता है तो अपने विस्तृत प्रतिवेदन में वो आपकी इस बात के विश्लेषण की तारीफ करता है कि एक शोधार्थी ने किस प्रकार बड़ी कुशलता से जो लोक संस्कृति है उसको अपनी शिक्षा में शामिल किया या पर्यटन में शामिल किया। और मैं समझता हूँ ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक शोध में नयापन, एक नई बात दिखाई पड़ती है और शोध की जो आपकी क्वालिटी है वो इनहांस होती पड़ जाती है। अब हम स्क्रीन शेयर करके आपको ये जो है आज का जो हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट संभावना है इस पर बहुत इत्मीनान से बताते जा रहे हैं और आप इसको देखते चलें। 20 मिनट बस कंसंट्रेशन रखना है और बहुत सा, चूंकि हाड़ौती में बहुत सारा मैटर, हमने सारा मैटर नहीं समेट पाया है, तो फिर भी हमारा प्रयास ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा बातें शामिल कर लें, लेकिन समय की जो सीमा रहती है उसमें बहुत बार ये दिक्कत होती है कि हम पूरा मैटर शामिल नहीं कर पाते हैं। तो हमने जो खास चीजें मुझे लगी वो ली हैं और विशेष तौर से जो मुझे लग रहा था कि भाई इसको शामिल कर सकते हैं तो मैंने उसको शामिल करने का प्रयास किया है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है ना? यस, तो स्क्रीन पर हाड़ौती टूरिस्ट पर्यटन सर्किट और संभावनाएं आपको, जैसा मैंने पहले बताया कि 10 से 12 सर्किट के रूप में विभाजित किया है राजस्थान पर्यटन विभाग ने पूरे राजस्थान के पर्यटन को, तो इसमें जो 10 सर्किट है उनमें आप विशेष तौर से, मैं कहूँगा हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट पर केंद्रित करेंगे तो आप एक बड़ी चीज पाते हैं, कोटा बूंदी झालावाड़ और 12। तो 12 को इन्होंने आरंभ में शामिल नहीं किया था और 12 में ये एक सब्सिडरी पैकेज के रूप में शामिल करते हैं, इसलिए इनके उसमें पैकेज में 12 शामिल नहीं होता है। जबकि आपको पता है कि संभावनाओं की बात साथ साथ करते चलें, 12 में आपको पता सीताबाड़ी का मंदिर है और जो घोड़ावड़ पक्षी की संभावना है वो आपको पता है कि ये अंता और अटरू के आसपास घोड़ावड़ पक्षी को भी काफी दिनों पहले लोगों ने देखा था और वन विभाग ने इसकी रक्षा का प्रयास किया था। साथ साथ अगर आगे बढ़े तो शाहबाद का जो घना जंगल है वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए, वन्य जीव पर्यटन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से 12 अपनी जगह महत्वपूर्ण है किंतु इन्होंने शामिल नहीं किया। 10 सर्किट आप देख रहे हैं जिसमें पहला अलवर सर्किट से शुरू होकर के, अलवर सर्किट में अलवर है, सिलीसेड है, सारिस्का है, सारिस्का में आपको पता है रणथंबोर के तरीके से बाघ के पर्यटन के लिए जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसके लिए सरिस्का पहले स्थापित था, किंतु बीच में प्रबंधन के चुनौती को लेकर के वहां पे कुछ बाघ खत्म हो गए थे, वापस हमने रणथंबोर से बाघ वहां शिफ्ट करके उसे विकसित किया है।
और सीधे अगर आखिरी बात शेखावाटी सर्किट की बात कर दूं, सीकर झुंझुनू चुरू जो हवेलियां हैं सेठों की उनके लिए प्रसिद्ध है, और लास्ट अंतिम अगर बात करूं मेवाड़ टूरिस्ट सर्किट की जिसमें उदयपुर नाथद्वारा कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ है ना, ये चार स्थानों को आमतौर से शामिल करता है पर्यटन विभाग। आपको पता है उदयपुर बहुत सुंदर शहर है, झीलें हैं, पास आपको पिछोला लेक का पता है, और साथ साथ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। कुंभलगढ़ में एकमात्र राजस्थान की वेदशाला या यज्ञशाला है और बहुत ही उत्तुंग ऊंचाई पर बना कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी विशिष्ट स्थापत्य के साथ साथ, और कुंभ स्वामी का मंदिर भी है। चित्तौड़गढ़ में आप देख पा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ का वर्णन अलग से करूं तो भी थोड़ा पड़ेगा, आपको पता तीर्थराज चित्तौड़ बोल दिया लिखने वालों ने, है ना। तो इस तरीके से 10 टूरिस्ट सर्किट हैं। इनमें आगे आप देख रहे होंगे कि उपरोक्त सर्किटों के अतिरिक्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु दो नए सर्किट, ब्रजभूम धार्मिक पर्यटन सर्किट और मेवाड़ बागड़ सर्किट भी अलग से विकसित किए गए हैं। तो ब्रजभूम धार्मिक पर्यटन सर्किट में आपको पता है ब्रज क्षेत्र जो है उसकी महिमा अपरंपार है, तो उसको उन्होंने शामिल किया है। अब चूंकि आज के व्याख्यान का केंद्र बिंदु हमने हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट को रखा है, तो हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट में जरा देखते हैं कि मानव की विकास यात्रा, सांस्कृतिक वैभव, सभ्यता की गाथा, शिल्प परंपरा आदि सभी कुछ तो पुरातन से जुड़ा है। पुरातन से अद्य तक यानी आज की अवधि तक जुड़ी संस्कृति का यदि अध्ययन, अनुशीलन एवं अवलोकन करना है तो राजस्थान और राजस्थान में हाड़ौती श्रेष्ठ स्थल है। ये जर्नी थ्रू हाड़ौती RTDC जयपुर ये नारा देता है, ये जर्नी थ्रू हाड़ौती, ये भी एक नंबर में MA में पूछा जा सकता है। तो हाड़ौती का इतिहास विविधता के रंग को अपने अंक में समेटे हुए है, यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। ऐतिहासिक उपासना स्थल के साथ साथ जो शैल चित्र हैं, आपको पता है बूंदी में छिब्बर नाला और कोटा में आलनिया दरा और झालावाड़ के आसपास स्थल इस तरह के, जिसमें गागरोन के पास भी जंगल में जो आगे गिद्ध तराई और उसका माता जी का जो आमझर माता जी का मंदिर है वहां पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि शैल चित्र उन्होंने देखे हैं। तो ऐतिहासिक उपासना स्थल भव्य प्रसाद महल, मैं अभी दिन में इस PPT की जब तैयारी में लगा हुआ था तो पृथ्वी विलास महल को देख रहा था, भव्य महल जिसमें इसको होटल में कुछ भाग परिवर्तित कर दिया है, और उस होटल में कुछ रूम्स ऐसे हैं जिनका एक दिन का किराया 10,000 रुपये है। तो इस तरीके से जीवंत स्मारक जो है वो हाड़ौती के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में बहुतायत से उपलब्ध हैं। मैं इस संदर्भ बता दूं, बिल्कुल नई जानकारी, आज एक बच्चे ने मुझे फोटो भेजी तो मैंने इसको बोला कि दलनपुर की फोटो, उसने कहा नहीं सर ये भालता के पास एक गांव है, उस निर्जन गांव में कुछ इस तरह के महल वगैरह बने हुए हैं भालता के पास, तो वो भी देखने की जगह होगी, कभी अवसर मिलेगा तो मैं देखूंगा। और जो लोग इसमें अगर भालता के पास के जुड़े हों वो जब प्रश्न उत्तर का सेशन आखिरी पे हो तो उसमें जरूर इस जानकारी को जोड़ें। तो हाड़ौती क्षेत्र के अभेद्य किलों जिसमें आपको पता बूंदी का किला है, कोटा है, झालावाड़ है, मैं नौलखा किला तक है, इधर अगर 12 की बात करें शेरगढ़ का किला बहुत प्रसिद्ध रहा है, शाहबाद में भी किला है, अभेद्य किलों के साथ सौर और स्वाभिमान जुड़ा हुआ है जिनमें शाहबाद, गागरोन, बूंदी, नाहरगढ़, शेरगढ़ आदि प्रमुख है। हाड़ौती की चित्र शैलियां उसके वैभव के प्रमाण है, यहाँ के मेले एवं उत्सव सांस्कृतिक चेतना के साक्ष्य हैं। मेलों की बात की जाए तो अभी बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ खानपुर में बंगाली बाबा के मेला से लेकर के भवानी मंडी में बसंत पंचमी का मेला लगता है, साथ साथ कोटा का जो राष्ट्रीय दशहरा मेला, हम कहने लगे राष्ट्रीय स्तर का मेला है, वो भी दर्शनीय है। तो यहाँ के लोक नृत्य राजस्थानी संस्कृति के अपवाहक हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हाड़ौती की वैविध्य एवं वैभव से पूर्ण इस विरासत का ना तो ठीक से अनुशीलन हुआ है और ना पर्यटकों के लिए संतोषजनक प्रभावन हुआ है, हम उसको इफेक्टिव नहीं बना पा रहे हैं। रोजगार समाचार की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में पर्यटन उद्योग की सबसे व्यापक संभावनाएं हैं। गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन, यात्री वह सब कुछ देखता है जो अनायास उसके समक्ष आ जाता है, जबकि एक पर्यटक वह देखता है
जिसे देखने के लिए वह आया है। तो यानी एक सामान्य यात्री और पर्यटक में क्या अंतर है कि भाई यात्री तो वो सब कुछ देख लेता जो उसके लिए देखा जाता, किंतु यहाँ क्या है कि जिस पर्यटक ने एक पैकेज को लिया है, परचेज किया है, खरीदा है पैकेज को, उसमें उसको बताया गया कि अमुक अमुक स्थल दिखाए जाएंगे। आपको पता है नेट पर सुंदर सुंदर तस्वीरें पड़ी होती हैं, किंतु जब उस स्थल पर जाता है तो वहाँ क्या होता है, चमगादड़ होते हैं, गंदा गोबर पड़ा है, कोई मेंटेन नहीं, तो वो बहुत निराश होता है। तो इस तरीके से हमें पर्यटन स्थलों के विकास और संभावनाओं पर विचार करना होगा। हमें पर्यटकों की भावनाओं को समझते हुए उनकी आशाओं की पूर्ति करने के लिए पर्यटन संबंधी विभिन्न बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि तथा उनकी व्यवस्था में सुधार करना होगा। हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट में बूंदी, कोटा, झालावाड़ पर्वत है ना, वर्तमान में 12 के दर्शनीय स्थलों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध हाड़ौती राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऐतिहासिक काल में हाड़ाओं द्वारा शासित क्षेत्र बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ हाड़ौती कहलाया। वर्तमान में इस क्षेत्र में 10 अप्रैल 1991 में जिला बना और शामिल हो गया। हाड़ौती सर्किट में जो मंदिर है, सबसे पहले मंदिरों की बात करते हैं तो हाड़ौती के प्रसिद्ध मंदिरों में केशव राय पाटन का केशव मंदिर एवं तीर्थकर मुनि सुब्रत नाथ का जैन मंदिर, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर और झालरा पाटन में शांतिनाथ जैन मंदिर का भी नाम आगे दिया है, चंद्रमौलेश्वर मंदिर जो है ये चंद्रभागा मंदिर पाटन में है, ये सभी और साथ साथ कोटा का मथुराधीश का मंदिर और कोटा से 35 किलोमीटर दूर स्थित चौरगामा का गुप्तकालीन शिव मंदिर, कुनाड़ी स्थित करणी माता का मंदिर, कंसुआ का शिव मंदिर, आवा का पोपाबाई का मंदिर, ये पूछा गया है पोपाबाई का मंदिर कहाँ है, लोग जोधपुर की तरफ भागते हैं दिमाग लगा के परीक्षार्थी, मेरे साथ योगेश जैसे कई लोग जुड़े हुए हैं, पोपाबाई का मंदिर आवा में स्थित है, गुड़ातीत का सूर्य मंदिर, चांदखेड़ी का जैन मंदिर, बारा जिले के रामगढ़ में भंडदेवरा जिसे हम लघु खजुराहो के नाम से जानते हैं अत्यंत प्रसिद्ध है, कोटा में पुष्ट मार्गी बल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, प्रीति शर्मा मैडम जुड़ी, उन्होंने सप्तम पीठ कामा पर काम किया है, लेकिन जो पहली पीठ कोटा में है उस पर भी अभी काम का इंतजार है, कोई पुस्तक अच्छी सी नहीं उपलब्ध है। इस क्षेत्र में मथुराधीश का मंदिर इस पथ की का सबसे बड़ा तीर्थ है। बौद्ध धर्म संबंधित कौलबी और विनायका की गुफाएं उल्लेखनीय है, हाथिया घोड़ की भी गुफाएं दर्शनीय है, किंतु वहां पर अब वो गुफाएं नष्ट होने के कगार पर हैं और कम गुफाएं बची हैं। पहाड़ियों को काट कर बनाई गई ये गुफाएं झालावाड़ जिले की डग तहसील में अवस्थित हैं। पर्यटन की दृष्टि से ये भारत की जो है प्रसिद्धि बन सकती है। आपको पता है इंटरनेशनल जो जहां जहां बौद्ध धर्म है, आपको पता है चीन, तिब्बत, चीन और जैन जो जापान है उसमें बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं, तो इन गुफाओं को अंतरराष्ट्रीय महत्ता भी प्राप्त हो सकती है। राजस्थान में अगर बात करें तो आपको पता है कि जो जयपुर के पास बैराट है वहां पर जैनों के कुछ स्थल हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक दृष्टि से इन गुफाओं का महत्व बहुत अधिक है। बूंदी, छोटी काशी जिसे हम कहते हैं, बूंदी के बात करें तो बूंदी स्वयं में संपूर्णता के साथ पर्यटन स्थली है, इसीलिए बूंदी उत्सव मनाया जाता है। प्राकृतिक पहाड़ों से घिरे इस प्राचीन नगर का अतीत सौर एवं ऐश्वर्य का प्रतीक है। राव राजा वर सिंह द्वारा निर्मित बूंदी का तारागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग की तलहटी में स्थित नवल सागर तालाब, 84 खंभों की छतरी, रानी नाथावती द्वारा निर्मित करवाई गई रानी जी की बावड़ी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। जैता मीणा द्वारा बनाया गया जैत सागर, राजा भोज सिंह की पत्नी फूल लता द्वारा बनाया गया फूल सागर, पहाड़ी पर निर्मित मीरा साहिब की दरगाह, छर बाग की छतरियां, शिकार बुर्ज और चौथ माता का मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जलप्रपात यानी झरनों के लिए प्रसिद्ध रामेश्वर, बूंदी नैनवा मार्ग पर खटकड़ महादेव मंदिर, धार्मिक प्राकृतिक स्थल भीम लत, केशव राय पाटन, सीसोला और नमाणा भी प्राचीन मंदिरों एवं पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विख्यात लेखक रुडयार्ड किपलिंग, फोटोग्राफर वर्जीनिया फ्रांस तथा इतिहास के प्रसिद्ध कर्नल टाट बूंदी के कला वैभव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।
का राजस्थान की लघु काशी और रंगनाथ जी की नगरी बूंदी में तारागढ़ दुर्ग अत्यंत प्रमुख है। यह 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। 14वीं शताब्दी के इस दुर्ग के बारे में कर्नल टाड ने कहा था, समस्त रजवाड़े जिन्हें अपनी सुंदर महलों पर गर्व है उनमें बूंदी का महल सर्वोत्कृष्ट माना जाना चाहिए। गढ़ पैलेस का निर्माण 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया गया। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में हजारी दरवाजा, हाथी पोल, दरी खाना, रतन निवास, छत्र महल और बादल महल मुख्य हैं। दीवाने आम के दाई ओर विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला है जिसमें 12 मासा और रसिक प्रिया का बूंदी शैली के लघु चित्रों में सुंदर चित्रण किया गया है। नखराली मारी बूंदी, रूपाली मारी बूंदी की मधुर स्वर लहरियों के बीच बूंदी उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक मास में किया जाता है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए यह 3 दिवसीय उत्सव पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। 2004-05 से पूर्व जिला प्रशासन द्वारा इसका आयोजन करता था और बूंदी उत्सव पर्यटन कैलेंडर में शामिल है। बूंदी उत्सव के अंतर्गत यह प्रयास किया गया है कि वहां की सांस्कृतिक विरासत की झलकी पर्यटकों को मिले। इस अवसर पर कई विदेशी पर्यटक भी आते हैं। वर्ष 2019 में 25वें बूंदी उत्सव का आयोजन 6 से 8 नवंबर को किया गया। उत्सव की शुरुआत तारागढ़ किले की तलहटी में गणेश पूजा से की गई। बूंदी उत्सव के आयोजन के अंतर्गत बूंदी के मुख्य बाजारों में लोक कलाकारों के साथ भव्य जुलूस निकाला जाता है जिसमें कलाकार राज्य की संस्कृति की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के लिए घुड़दौड़, पगड़ी बांधना, रस्साकसी, सिर पर पानी भरे घड़े के साथ दौड़ सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पुनः एक बार मैं अपने महाविद्यालय का संदर्भ आपको याद दिलाना चाहूंगा। हमारे महाविद्यालय में साफा बांधने या पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आगे भी इस तरह के आयोजन के लिए महाविद्यालय प्रशासन और गतिशील सक्रिय प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर फूल सिंह जी के निर्देशन में प्रतिबद्ध है, तैयार है। अगर जैसे ही आगे अवसर आएगा ये प्रतियोगिताएं जरूर की जाएंगी। बूंदी जलाशय प्रबंध के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रानी की बावड़ी सर्वाधिक प्रमुख है। रानी की बावड़ी की बनावट, शिल्प, सीढ़ियों की लंबी श्रृंखला, मूर्ति शिल्प एवं वातावरण सभी मिलाकर एक मोहक संसार का सृजन करते हैं। बावड़ी की भव्यता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बावड़ी करीब 300 फीट लंबी और 40 फीट चौड़ी है। बावड़ी की गहराई 200 फीट तक है। इसका निर्माण राव राजा अनुद्ध सिंह की विधवा रानी ने किया था और रानी जी की बावड़ी आज भी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। कोटा की बात करते हैं, प्रारंभ में हमने कोटा को शैक्षिक पर्यटन के रूप में, शैक्षिक नगरी का आपने बोर्ड लगा देखा होगा, कोटा शैक्षिक नगरी। जो कोटा का चंबल उद्यान है वो चारबाग, सेवन बंडर्स, जग मंदिर इत्यादि सैलानियों को सहज आकर्षित करते हैं। कोटा का राजकीय संग्रहालय एवं महाराव माधो सिंह संग्रहालय पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। कोटा का राजकीय संग्रहालय जिसे ब्रिज विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दें, वापिस लाइन पढ़ रहा हूँ, कोटा का राजकीय संग्रहालय जिसे ब्रज विलास संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। विगत दिनों कुछ इस तरह के छोटे प्रश्न पूछे गए और आप लोग जो उस समय के परीक्षार्थी थे बड़े दुखियों के साथ, ये कहाँ ब्रज विलास संग्रहालय है, तो ये यानी जो कोटा का राजकीय संग्रहालय है उसे ब्रज विलास संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। इस संग्रहालय में शेष साई कृष्ण की प्रतिमा जो बाडोली मंदिर समूह से लाई गई है, जिसकी प्रशंसा पंडित नेहरू ने भी की थी, तथा कालांतर में जो विदेशों में होने वाले भारत महोत्सव की शोभा बढ़ाकर लौटी, यह बहुमूल्य यहाँ पर इस प्रतिमा के अतिरिक्त बहुमूल्य हस्तशिल्प ग्रंथ, अनुपम चित्र, अस्त्र शस्त्र, पुरानी मुद्राएं, कोटा नरेशों की बेस कीमती पोशाकें तथा अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्रियां संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त पौराणिक पाषाण प्रतिमाएं और 295 विक्रम संवत के 1600 फीट ऊंचे 4 यूप स्तंभ जिन पर कुषाण कालीन लिपि में लेख लिखे हुए हैं संरक्षित हैं। संग्रहालय की दीर्घा में 17वीं-18वीं शताब्दी के अनुपम चित्र जो राजस्थान की विभिन्न चित्र शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं दर्शनीय है, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा संग्रहालय भी पर्यटकों को आकर्षित करने में असमर्थ है।
महाराव माधो सिंह संग्रहालय में अस्त्र शस्त्रों की अपूर्व छटा है। यहाँ विविध प्रकार के धनुष, तलवारें, भाले, कटारे, ढाल आदि मनमोहक दृश्य प्रस्तुत की गई। अब जरा महिलाओं पर्यटकों के ध्यान में कोटा की जो कोटा डोरिया साड़ी है वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोटा डोरिया साड़ी उत्पादन केंद्र कैथून की ओर पर्यटकों का खासा झुकाव देखा जा सकता है। वे कोटा डोरिया साड़ी को बनते हुए कैसे बनाई जाती है ये देखने की जिज्ञासा लेकर के आते हैं। जी आवाज आ रही है ना, प्लीज माइक अपने अनम्यूट रखिए। कोटा शैली भारत प्रसिद्ध है जिसमें शिकार के दृश्यों का प्राधान्य है, यानी प्रधानता है। पर्यटन की दृष्टि से हड़ौती की कलात्मक भित्तियों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा के गढ़ के समीप ही बड़े देवता की हवेली के भित्ति चित्रों का अद्भुत भंडार है। इस 5 मंजिली कलात्मक हवेली में विजयादशमी की सवारी, श्रृंगार चित्र, होली एवं गणगौर जैसे पर्वों के दृश्य, कृष्ण लीला, दीपावली पर फुलझड़ी छोड़ती नायिका तथा शिकार संबंधी दुर्लभ चित्र हैं। कोटा गढ़ पैलेस के बड़ा महल में अनेक बहुमूल्य भित्ति चित्र हैं। इसके अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों के हैं। अन्य चित्रों में शिकार, मुगल बादशाहों, शहजादों तथा रानियों के चित्र हैं। कोटा राज्य के दीवान झाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित झाला हवेली के भित्ति चित्र भी विख्यात हैं। आपको बताऊं कुछ दिन पहले आरएएस में झाला हवेली कहां पर है ये प्रश्न आया था और बहुत विवाद रहा क्योंकि विकल्प में झालावाड़ भी दिया गया था, लोगों ने झालावाड़ सही किया। झाला हवेली कोटा में निर्मित है। हड़ौती मूर्ति शिल्प की दृष्टि अत्यंत समृद्ध है। अधिकांश मूर्ति शिल्प संग्रहालयों में संग्रहित है। यहाँ का मूर्ति शिल्प सामान्यता 5वीं शताब्दी से 18वीं सदी के मध्य तक का है। मुझे जूम का मैसेज मिल गया है तो थोड़ा सा स्पीड को आगे देते हुए बढ़ते हैं। तो ये मूर्त शिल्प की बात है और सैलाश्रियों में कपिल धारा, काम घाट, गेरड़ा महादेव, गैपरनाथ महादेव, जवाहर सागर बांध, चामली नाला, दर्रा, सोरसन में जो मैं कह रहा था घोड़ावण पक्षी काफी दिनों तक निवास करता रहा, अलनिया आदि प्रमुख हैं। दरा अभ्यारण्य में गिरधरपुरा से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित तिपटिया में उत्तर पाषाण कालीन शैल चित्र मिले। तो इस तरीके से ये जो शिल्प है ये बहुत ही दर्शनीय है। तो हड़ौती की जो विरासत है वो काफी आकर्षक है। तो हमें इन चीजों को समझना होगा तभी हम जाकर के आप पर्यटकों को आकर्षित कर पाएंगे। कोटा के आसपास बायोडायवर्सिटी अन्य जगहों से बहुत अच्छी है। चंबल नदी की खूबसूरती को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने की दिशा में पहल करने के लिए विश्व प्रकृति निधि के पूर्व महासचिव रवि सिंह ने जोर दिया है। कोटा के समीप चारचोमा गांव में चतुर्मुखी शिव प्रतिमा वाला आकर्षक शिवालय, कंसुआ ग्राम का शिव मंदिर एवं दरा का भोमचौरी स्थल भी ऐतिहासिक एवं पर्यटक के आकर्षण के केंद्र हैं। जैसा कैथून कस्बे की बात हो चुकी है, झालावाड़ में आपको पता है हम यहीं रहते हैं, राजकीय संग्रहालय की हम हर वर्ष विजिट करते थे और वहां पर एक छोटा सा व्याख्यान भी रहता था। दुर्भाग्य से कोरोना काल में संभव नहीं हो पाया। हमने बीच में प्रयास किया किंतु उस दिन वहां परमिशन नहीं मिल पाई। तो नाट्यशाला है और राजकीय संग्रहालय जिस पर आगे एक अलग व्याख्यान भी हम रखेंगे। राजकीय संग्रहालय इस समय मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने उसके रिन्यूशन के बाद जिसमें 4 करोड़ से अधिक रुपए सरकार ने खर्च किए हैं, तो इस संग्रहालय में अब जो जयपुर में रामनिवास बाग का हमारा राज्य संग्रहालय है उसके बाद उसकी टक्कर पर हम लगभग पहुंच गए हैं। झालावाड़ का जो राजकीय संग्रहालय है, कोटा और बूंदी के संग्रहालय हमसे पीछे छूट गए हैं। तो हमें राजकीय संग्रहालय को जैसे अवसर मिलता है अपने स्तर पर देखने का प्रयास करना चाहिए। जैन मंदिरों की शोधार्थी प्रीति शर्मा मैडम जुड़ी हुई हैं।
चांदखेड़ी के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, इसके भूगर्भ में विशाल तल प्रकोष्ठ में स्थापित आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा रहस्य उत्पन्न करती है। इसी के साथ साथ उन्हेल पार्श्वनाथ की भी चर्चा कर दूं। उन्हेल पार्श्वनाथ में जो कहते हैं जिस तरह से पंच तीर्थ जैनों में जो है उसको उतना ही महत्व, जैसे हिंदू धर्म में आप जानते हैं बद्रीनाथ जगन्नाथ मंदिर का जो स्थान है, वही श्वेतांबर जैन लोगों में उन्हेल पार्श्वनाथ का स्थान है। और इधर क्यासरा गांव में डगमे बौद्धकालीन गुफाएं हैं। तो ये सब कुछ झालावाड़ में, मेलों की बात हमने प्रारंभ में कर दी थी, संक्षेप में एक बार, कोटा का दशहरा मेला है, बूंदी का तीज मेला है, बारा का सीतावाड़ी मेला, सांगोद का नहाड़, झालरा पाटन का कार्तिक मेला, खानपुर के बंगाली बाबा का मेला, बारा जिले में सहरिया आदिवासियों का कपिल धारा मेला हाड़ौती की समृद्ध लोक परंपरा को रेखांकित करते हैं और हाड़ौती टूरिस्ट सर्किट को ये प्रोन्नत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। कोटा का दशहरा मेला विगत 1 से 24 वर्षों से, अब बल्कि हमें कहना चाहिए 125 वर्षों से अबाध रूप से आयोजित किया जाता रहा है। यह मेला भारत सरकार के पर्यटन विभाग की इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट में शामिल है। झालरा पाटन के चंद्रभागा मेला, जिसे हमने कार्तिक मेला भी कहा, कई विदेशी पर्यटक आते हैं। दीपदान का कार्यक्रम भी होता है। वन्य जीव अभ्यारण, आपको पता है कि जो अपना दरा का अभ्यारण, इसमें आपको पता टाइगर छोड़े गए हैं और अब ये नेशनल पार्क हो गया है, तो ये विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो इस तरीके से पर्यटन विकास में बाधाएं और संभावनाएं जो हैं, उनकी बाधाओं की अगर बात करें तो अभी तक हड़ौती क्षेत्र हवाई मार्ग से नहीं जुड़ा है, नंबर एक, जो सबसे बड़ी बाधा है। इसके अतिरिक्त झालावाड़ रेल मार्ग से जुड़ा है, किंतु बहुत ट्रेनें राज्य के बाहर से अभी यहाँ कोई ट्रेन नहीं आ रही है। तो जो संचार माध्यमों की बाधाएं हैं वो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, साथ साथ जो क्षेत्रीय लोग हैं यहाँ के, उनका पर्यटन की दृष्टि से जो ओरिएंटेशन है, जो वो उनको अभी उतना प्रशिक्षण नहीं है, वो उतना ट्रेंड नहीं है कि किसी पर्यटक को कैसे ट्रीट करें, कैसा उसके साथ बर्ताव करें। यद्यप हड़ौती में विनम्रता की संस्कृति निश्चित ही समृद्ध परंपरा रही है, किंतु पर्यटक को किस तरह से समझाया जाए ये बहुत बार नहीं हो पाता है। यदि इन बाधाओं को दूर कर लिया जाए तो पुष्कर, जैसलमेर, उदयपुर के समान हड़ौती में भी पर्यटक जनता से जुड़ी गतिविधि बन जाएगा। हड़ौती उत्सव मनाने के विशेष प्रयास करने चाहिए, लोगों की सोच को पर्यटन के अनुकूल बनाना होगा। ये अब जरा नक्शा और चित्र के माध्यम से जरा इन स्थानों को 2 मिनट के अंदर देख लीजिए। मैप है हड़ौती का और ये देखिए बूंदी का एक विहंगम दृश्य है। इसी तरीके से ये लिखा है, ये आप लोग खुद ही पहचान लेंगे, सन टेम्पल ऑफ झालरा पाटन है ना, सूर्य मंदिर झालरा पाटन का बहुत भव्य, इसको पास से इसकी जो शिल्प सौंदर्य है देखते ही बनता है। बड़ा अगले फोटो में ये पृथ्वी विलास का दृश्य है बाहर का, ये देखिए पृथ्वी विलास कितना सुंदर घनी वनस्पतियों से घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है ना। और इसके अलावा ये जो कोटा में आपने देखा होगा जल महल की श्रेणी में से रखा जाता, 20 तालाब में ये बना हुआ है महल कोटा में। और ये सेवन बंडर्स, नया हमारा पर्यटन स्थल कोटा का सेवन बंडर्स। इस तरीके से ये जो है अगला स्थल 12 में का हमने शामिल किया है। और ये भंडदेवरा के टेम्पल जो है 12 में, उनका एक दृश्य मंदिर का। तो इस तरीके से ये हड़ौती का जो टूरिज्म था वो हमने समझने का प्रयास किया और ये अब पूरा हुआ। अब हम वापस अपनी मेन स्ट्रीम पर आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद के अलावा आपको सीधे सीधे जो आपके प्रश्न हैं उनसे, 22 लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे बड़ा खुशी हो रही है देख करके। और जो आपके प्रश्न हैं उनको आप पूछ सकते हैं। प्रश्न
हमारे साथ प्रिया जैन, बहुत दूर से कई लोग जुड़े हैं, ये पूर्व छात्रा हैं एमफिल की और फिलहाल ये अभी इसमें जुड़ी हुई हैं, और कॉलेज के बीएस सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट जुड़े हैं दीपे डॉक्टर दीपेश यादव जुड़े हुए हैं, बिंदु भी जुड़ी हुई है नागौर से। यस, मुझे लगता है प्रश्न उत्तर का सेशन जितने जल्दी हो शुरू करना चाहिए। जी नमस्कार सर मैम। नमस्कार नमस्कार सर, जब मैं शुरू में झालावाड़ आई थी तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये झालावाड़ जो है प्राकृतिक दृष्टि से अपार संपदा अपने में समेटे हुए है, लेकिन जब मैंने एमफिल किया ना सर, उस वक्त मुझे पता चला कि यह केवल प्राकृतिक रूप से ही, मतलब इसमें संपदा प्राकृतिक संपदा ही नहीं है बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं है यदि ध्यान दिया जाए। सर आपने उन्हेल का जो वर्णन किया था, उन्हेल में गई थी तो सर वहाँ रास्ते में जब हम जा रहे थे तो इतना मतलब अच्छा माहौल था वहाँ का, और जब मंदिर में पहुंचे तो मंदिर भी काफी विशाल था, बहुत बड़ा मंदिर था। जी, जी, तो हम जब श्वेतांबर मंदिर मैंने देखे हैं सर यहाँ जितने भी, तो जो दिगंबर जैन मंदिर है सर उनमें तो अभी भी प्राकृतिक जो अपना प्राचीन सौंदर्य है कलात्मक शिल्प है वो बचा हुआ है, लेकिन जितने भी श्वेतांबर मंदिर हैं उनका सब पुनरुद्धार हो रहा है अब, और उन सभी मंदिरों को अब सफेद संगमरमर से बनवा दिया गया है और सभी की जो शिल्प सौष्ठव है सब एक जैसा कर दिया है सर, कलात्मक शिल्प है, सभी मंदिर एक जैसे लगते हैं। ये नई सूचना हम सबके लिए मिल रही है, हालांकि जो उनका मूल स्वरूप है अगर वो संरक्षित रहता है तो बहुत अच्छी बात है, और अध्ययन और इतिहास की दृष्टि से उनका मूल स्वरूप रहना ही ठीक है। आदरणीय सचिन मैम से, क्योंकि समय लगभग समाप्त होने को है, आदरणीय मैम सचिन मैम से। जी नमस्कार मैम, नमस्कार। कोई नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम बोले ही टाइम लग